सहारनपुर के गांव के बीच में एक चबूतरे पर बैठी है एक पत्थर का भैंसा। ऐसी मान्यता है कि जो भी उस भैंस के पीठ पर बैठ जाए उसे वो सारी चीजें मिल जाती है जो वो चाहता है। दोनों सींग पकड़कर मांगना होता है। हे जादू बैल, जल्दी से मेरे मन की इच्छा पूरी कर दो। अच्छा दादाजी, क्या आपको पता है ये जादुई बैल हमारे गांव में कैसे आया? बताइए ना जल्दी जल्दी। ये बहुत दिन पहले की बात है, जहां था एक जादुई भैंसा। हमारे गांव में रामू नाम का एक भैंस पालने वाला आदमी रहता था, जो भैंसों का पालन करता था। उनको जंगल ले जाता था, उनका दूध निकालता था, दूध बेचकर उसका परिवार चलता था। एक दिन अचानक उस गांव में भैंसों के बीच में महामारी फैली, बहुत बड़ी बीमारी। हर लोगों ने देखा कि हर रोज एक ना एक भैंस मरते ही जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को। हाय 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 हाय, ऊपर वाले, मेरी भैंस मर गई, ये क्या कर दिया, सब बर्बाद हो गया। सब लोगों का भैंसा मर रहा है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भैंसा बिल्कुल ठीक हो। हाँ, ठीक ही होगा। क्या रे रामू, इतनी देर से देख रहा हूँ, तू क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो बस एक छोटी सी समस्या है, इस समस्या से बचने के लिए कोई ना कोई तो उपाय जरूर होगा। अरे तू ये कैसे समझेगा, ये तो हमारे साथ हुआ है, तू हमारा हाल नहीं समझेगा। चल चल, इस मरी हुई भैंस को यहाँ पे तो नहीं रख सकते ना, चल जंगल में जाके इसको दफना देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही देखा गया, रामू के भैंसों के बीच में ये बीमारी फैल चुकी थी। रामू हर रोज सुबह देखता था कि उसकी भैंस हर जगह मरी पड़ी है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आई कि उसके पास केवल दो ही भैंस बची, बाकी सब मर चुके थे। अब हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? लगता है हमें बिना खाए ही मरना पड़ेगा। देखो, तुम फिक्र मत करो, अभी भी हमारे पास दो भैंसे हैं, हमें कैसे भी करके उनको बचाना होगा। अरे कैसे बचाओगे जरा बताओ, ऐसे चुड़ैल के जादू के बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? तो मैं कुछ भी नहीं जानता, कैसे भी करके मैं पूरी रात जागकर भैंसों के लिए पहरा दूंगा। इतनी रात हो चुकी है फिर भी मेरी आँख नहीं लगी, ये कैसे हो सकता है? और अभी तो सब ठीक ही चल रहा है। ओह, अभी अचानक से मुझे नींद क्यों आने लगी? अरे अरे, वो वहां पर क्या है? ऐसा लगता है कोई तो जंगल में से भागकर मेरे भैंसे के पीठ के ऊपर बैठा है। अरे ये तो एक राक्षसनी है। सर्वनाश, मैं बर्बाद हो गया। उसने उसको मार डाला। अरे अरे, अब मैं क्या करूं? सामने आते ही मैं, अरे बाप रे, ये क्या, वो तो उसको मारकर चली गई। अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि गांव के भैंसे एक के बाद मर कैसे जाते हैं। चाहे जो भी हो जाए, मुझे इस अकेले भैंसे को कुछ भी करके बचाना ही होगा। सुबह होते ही रामू निकल पड़ा अपनी खोज में। वो जा पहुंचा गांव से दूर एक घर में। उसने अपने गुरु को सारी बात बताई। आपने सब कुछ तो सुन लिया बाबा, अब मुझे कोई ना कोई तो उपाय बताओ कि कैसे मैं उस राक्षसनी से मेरे अकेले भैंसों को कैसे बचा सकता हूँ। ठीक है, मैं फूंक कर एक जादुई मंत्र देता तो वो तुम पढ़ लेना, ठीक है?
लेकिन ये पोटली कैसे काम करेगी बाबा? जैसे वो जादुई भैंस के ऊपर वो डायन आकर बैठेगी ना, तो दूर से ये पाउडर छिड़क देना, फिर देखना। इस बार मैं एकदम तैयार हूँ। जैसे ही वो राक्षसिनी आ जाएगी, मैं ये पोटली खोलकर उसके सामने फेंक दूंगा। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही हो जाए। लगता है वो राक्षसिनी आ गई। हाँ, आ गई वो। इस बार इसके कुछ करने से पहले मैं ए, छोड़ दे मेरे भैंसे को, भाग जा। यो, मेरे भैंसे को खाने आई थी ना, अब बताओ कैसा लग रहा है? हाँ? मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम सारे भैंसे वापस नहीं कर देती। ऐसा लगता है वो मुझे लालच दे रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके जाल में नहीं फंसना है। अरे क्या हुआ, जल्दी जल्दी बोल, तुझे क्या चाहिए? अरे इस हाथ को पकड़ के क्यों रखा है, जल्दी बोल, तुझे ये सब देखकर मैं चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दे। उन सब से मेरा क्या लेना देना, एक काम कर, तुम मुझे सारे भैंसे दे दे। बाद और क्या, गांव के लोगों को बचाने के लिए रामू ने उस जादुई भैंसा को गांव के बीच में एक चबूतरे के ऊपर बैठा के रख दिया और गांव के सभी लोगों को बता दिया कि जादुई भैंसा के पास सब चीज मांग सकते हैं, पैसा, रुपए, हीरा, जवाहरात, सोना, सब कुछ। ये सब तुम नहीं मांग सकते। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपको ये सब बातें कैसे पता? क्या बच्चों, ये बूढ़ा कुछ भी बोलेगा और आप उसकी बात का विश्वास कर लोगे? नहीं नहीं बेटे, ये एकदम सही घटना है। गांव के सभी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं। गांव के लोग अगर बुद्धू है तो उसमें मेरा क्या दोष है, बताइए मुझे। मेरा नाम रमेश है और गांव का मुखिया मेरा मामा है और मैं शहर में रहता हूँ। आपकी ये सारी कहानी मैं मान ही नहीं सकता। ये कहानी गांव वाले मान लेंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं। आज आप सबकी गलतफहमी मैं तुरंत दूर कर दूंगा और जादुई भैंस के मुंह से मैं पैसे निकाल कर ही रहूंगा, देख लेना दादाजी। तुम मेरी मन की इच्छा पूरी कर दो भैंस, ओ भैंस, तुम मेरे मन की इच्छा पूरी कर दो भैंस, ओ भैंस, मुझे दो, मुझे पैसे दो, तुम सुन रही हो भैंस, मुझे पैसे दो, जल्दी से मुझे सारे पैसे दो। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस भैंस के टुकड़े क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुक्त हो जाऊंगी और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कितना अच्छा लगता है, कोई नहीं जीत सकता मुझसे, कोई भी नहीं, ये याद रखना। अरे रात को ये क्या हुआ था? जादू की मूर्ति ऐसे टूट कैसे गई वो पता नहीं चल रहा मुझे, और साथ में गायब भी हो गई। और उसकी जगह पे पड़ा है वो सोमू का लड़का। लेकिन ये लड़का भैंस के पास क्या कर रहा था? हो गया ना वही, मैंने बहुत मना किया था कोई लालच नहीं करना, गांव के सभी लोग समझ चुके थे लेकिन इसे समझ नहीं आई, इसीलिए इसे ये भुगतना पड़ा और इसीलिए जादुई भैंसा आजाद हो गई। अच्छा तो वो रामू आप ही हैं? ये कहानी बाद में बताऊंगा, ये कहानी यही खत्म हुई और चुड़ैल भी भाग गई।